गाइस, इट्स शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो यस गाइस, आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ आई हूँ। मैं लिटरली पिंक एंड बार्बीज एंड डॉल्स, ये सारी क्यूट चीजों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। नो मैटर मैं एज में कितनी बड़ी हो जाऊँ, मैं 100 साल की भी होंगी ना, मुझे तब भी किचन सेट से खेलने में, डॉल हाउस से खेलने में, बार्बी से खेलने में उतना ही मजा आएगा। मैंने रिसेंटली बार्बी खरीदी, ब्रांड न्यू बार्बी। दिस पर्टिकुलर बार्बी वॉज फॉर 500 रुपीज, मतलब 450 की थी, तो राउंड ऑफ करके मैंने 500 बोल दिया। मैंने बस सोचा यार, क्यों ना मैं इस मॉडर्न सी बार्बी जिसने ड्रेस पहनी हुई है, क्यों ना मैं इसको बदल दूं एकदम, इसका मेकओवर करके इसको इंडियन ट्रेडिशनल लुक में बनाऊं। अगर आपको भी मेरी तरह बार्बी डॉल पसंद है तो सबसे पहले ढेर सारे हार्ट्स कमेंट कर दो। सो अभी इसको ध्यान से देख के मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है कि ये रियल बार्बी वाइब्स नहीं दे रही है। दैट्स सैड, आई नो। एंड देखो, इसमें एक बाल भी फंसा हुआ है एंड ये पैकेजिंग के टाइम का इशू है यार। ये किसी रैंडम XYZ इंसान का बाल है यार। Anyway, अब हम जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। नो मैटर ये असली हो, नकली हो, जैसे भी हो, ऑल आई हैव टू से इज टेढ़ी है पर मेरी है। ओह प्रीटी, इसको भी बिंदी लगाऊंगी मैं। तो मेकओवर को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले यार, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट माय पिंक नेल। काफी सुंदर, मैंने इंदर नेल पेंट्स को कंबाइन किया एंड तब जाके ये बना। आई नो, मैं कभी कभी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन नाउ। यार, हमारी इस बार्बी को लिटरली बंदी बना रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्यों रबर बैंड लगा रखे हैं। साथ ही में देखो, मेरी बार्बी के बाल भी अनइवन हो रखे हैं। What the hell is going on? कोई नहीं यार, मैं जल्दी से इसको भी कट करके प्रॉपर शेप दे दूंगी बार्बी के बालों को। एंड नाउ शी इज लुकिंग परफेक्ट। ओके, सो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस ड्रेस को ही काट के बार्बी का ब्लाउज बना दूं, बिकॉज मैं प्लान कर रही हूँ क्यों ना मैं बार्बी के लिए साड़ी बनाऊं। मजाक नहीं करे, ये पिंक कुर्ता पता नहीं कितना पुराना होगा, ये मम्मा का था एंड इसी को यूज करके आज मैं बार्बी की साड़ी बनाने वाली हूँ। ऑल थैंक्स टू मास्किंग टेप, इसी की हेल्प से अब मैं फटाफट स्ट्रेट लाइन ट्राई कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइन कट करने की। मूविंग ऑन विद दिस, मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगी उसकी पल्ली तरफ मतलब राइट हैंड साइड भी, एंड यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन कट करूंगी। एंड स्ट्रेट लाइन कट करने के बाद ये रहा छोटा सा पिंक कलर का कपड़ा। ये हम लोगों के लिए तो टुकड़ा है, बट ये हमारी बार्बी के लिए पूरी की पूरी साड़ी है यार। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बार्बी की पुरानी ड्रेस को क्यों फाड़ू यार, क्यों ना मैं नया ब्लाउज भी बनाऊ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तो अब मैं नया ब्लाउज बना रही हूँ स्क्रैच से, एंड उसके लिए मैंने और भी छोटा सा पीस कट कर दिया इस क्लॉथ का, एंड मैं उसको प्रॉपर शेप देना अब स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, मैंने लाइफ में कभी इतनी टाइनी चीज बनाई नहीं है, मतलब कपड़े नहीं बनाया इतने टाइम। फैब्रिक ग्लू से चिपकाने के बाद ये देख लो, सही लग रहा है ना, काफी ज्यादा। बार्बी को अब मैं जल्दी से टाल से लपेट दूंगी, बिकॉज कम ऑन मैन, नो शेम शेम, नो पेन पेन, मैं अपनी बार्बी के साथ इतना गलत तो नहीं कर सकती थी ना। बस अब मैं जल्दी से मेजरमेंट्स ले लूंगी ब्लाउज का एंड साड़ी का, बिकॉज आई थिंक साड़ी की लेंथ मैंने थोड़ी लंबी काट दी है। सो अब क्या करने वाले हम इन एंड्स को फोल्ड करके फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करने वाले हैं, एंड इससे ना एंड्स एकदम क्लीन एंड प्रॉपर लगेंगे। ऐसा लगेगा कि सच में यार किसी दर्जी ने, आई मीन टेलर ने ही इस साड़ी को बनाया है हमारी डॉल के लिए। पिंक इज लुकिंग सुपर प्रिटी, बट एनीवे इसे पीछे से जल्दी से हमें स्टिच करना होगा। एंड पता नहीं मैं कितने सालों बाद आज वापस स्टिचिंग कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। मुझे अच्छे से स्टिचिंग करनी नहीं आती है, मुझे बस पेंटिंग एंड क्ले वर्क आता है यार, ये सब स्टिचिंग विचिंग मेरे बस की नहीं है, बट आज हम करके दिखाएंगे। नॉट इवन किडिंग, इतनी मेहनत मैंने कभी अपने आउटफिट्स के लिए नहीं करी होगी जितनी मेहनत मैं आज इस बार्बी के लिए कर रही हूँ यार। क्या क्या करना पड़ता है भाई साहब। ये स्टिचिंग विचिंग करने के बाद दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। मुझे तो ये कलर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, मेरा मन कर रहा है काश मैं अपने लिए बना लेती है तो मजा आ जाता। बट एनीवे मूविंग ऑन विद दिस, अब मैं ना पिंक रिबन को यूज करके इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन सा बिठा रही हूँ, ऐसे डिजाइनर जैसी फीलिंग आ रही है। वैसे मैं डिजाइनर हूँ इन जनरल, बट मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ ना यार, नो किडिंग, इसीलिए मेरे कंफर्ट जोन से काफी ज्यादा बाहर है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ऐसे क्लॉथ के साथ एक्सप्लोर कर लिया। मैंने आज तक अपने चैनल में सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट, बट मैंने कपड़े को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, आज वो भी हो गया। सो यही सबसे ट्रिकी पार्ट है आई स्वेयर इस पूरी चीज का। ये हो जाएगा ना तो मेरा टेंशन काफी कम हो जाएगा, प्लस इसके बाद जो बड़ी टेंशन है वो है कि मैं साड़ी को फोल्ड कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे असल जिंदगी में खुद साड़ी पहननी नहीं आती, तो मैं इसको क्या पहनाऊंगी यार। मैंने सेम रिबन को अब बॉर्डर की तरह भी लगा दिया साड़ी के, क्योंकि मैं साड़ी पहले ऐसी लगा रही थी, बट फिर मुझे लगा यार बॉर्डर लगा देती तो और भी ज्यादा रियल लगेगा। दिस इज सो डैम ट्रिकी गाइस, बट वी हैव टू डू इट, बिकॉज
बार्बी के साथ बॉब द बिल्डर भी मिल चुका है। सो बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर हाँ भाई हाँ, स्कूप कर डेजी रोरी के साथ। लॉफ्टी वेंडी ने बढ़ाया हाथ। वेट, क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने कितनी ज्यादा सिलाई बुनाई शुरू कर दी है? ओ माय गॉड। बट एनीवे गाइस, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही मैं आगे के प्रोसेस में जा पाऊंगी। भाई साहब, इसने तो मेरा लिटरली खून चूस लिया है। बट एनीवे, इससे पता चलता है कि यार स्टिचिंग वगैरह बहुत डिफिकल्ट होती है। एनीवे, नाउ मूविंग ऑन विद दिस। सो मेरे पास ना ये ऐसे चेन टाइप की पड़ी हुई है। वन इज गोल्डन इन कलर, सेकंड वन इज सिल्वर इन कलर। मुझे नहीं पता मैं कौन सी यूज करूंगी, बट आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ कि यू नो मैं इस बार्बी की हील्स को भी ऑरेंज से पिंक कर देती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि यू नो मैं अपना नेल पेंट यूज कर लूँ इंस्टेड ऑफ एक्रेलिक कलर्स, बिकॉज ये थोड़ा क्विक होगा एंड मुझे जैसो भी नहीं लगाना पड़ेगा एंड मजा आएगा। Anyway, यार मजे को साइड में रख के इन दोनों ही हील्स को फटाफट पेंट करते हैं अंदर से भी बाहर से भी, बिकॉज मैं नहीं चाहती यार गलती से भी कहीं से भी नन्नू सा छोटू सा ऑरेंज कलर दिख जाए। एंड वंस दैट इज डन, दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। क्यूट। एनीवे गाइज, ये सब कुछ तो हो चुका है, अब फाइनली आते हैं हम एक्सेसरीज पे। एक्सेसरीज मेरा तो फेवरेट पार्ट है, आप लोगों को पता है मुझे खुद के साथ भी एक्सेसरीज यूज करना कितना ज्यादा पसंद है। तो ये तो मेरी बार्बी है यार, जिसको मैं इंडियन लुक देने वाली हूँ, तो कम ऑन इसको तो मैं काफी अच्छे से सजाऊंगी। तो मांग टीका लगाने के बाद मैंने इयररिंग्स भी पहना दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, एंड मैंने नन्ना सा नेक पीस भी बना दिया। अब मैं सोची क्यों ना मैं नेल पेंट को यूज करके बिंदी भी लगा दूं, क्योंकि एकदम परफेक्ट मैच चिंग है। एंड उसी के साथ साथ मैं जल्दी से नेल पेंट भी लगा दूंगी, बिकॉज कम ऑन यार, देसी गर्ल्स विदाउट नेल पेंट्स नहीं है ये बात पॉसिबल। ओके, सो अब मैं बार्बी के बैंगल्स भी इसी पर्टिकुलर मटेरियल को यूज करके बना रही हूँ, एंड देख रही हूँ ये काम कितना इजी है, बस फेविकॉल लगाओ एंड ये स्टिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ आवर देसी गर्ल विल लुक लाइक। मैं जल्दी से इसको इसके हील्स भी बना देती हूँ एंड शी इज लुकिंग सुपर प्रिटी ऑल इन पिंक। अब मैं जल्दी से इसके बाल भी बनाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई अभी तक ना वो देसी इफेक्ट नहीं आ रहा, एंड आई विश अगर मेरे पास कोई फूल होता तो डेफिनेटली मैं वो भी चिपका देती सर पे। मैंने एक छोटू सा रबर बैंड भी लगा दिया है एंड Now she is all ready. मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगी। बीच में तो मुझे लगा शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कम ऑन यार, साड़ी पहनाना वाज सो डैम डिफिकल्ट। उससे बेटर मैं लहंगा पहनाती ना, वो बेटर होता। बट एनीवे, आई डू नॉट रिग्रेट इट। मैंने डेफिनेटली खुद भी काफी कुछ सीखा। आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड आवर बार्बी इज नाउ रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। कॉमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर थी। आप ही बता दो आपको पहली ड्रेस ज्यादा अच्छी लगी, ब्लू वाली या ये पिंक वाली ज्यादा अच्छी लगी। अब बार्बी बना ही दी है, उसका आउटफिट बना ही दिया है, उसका मेकओवर कर ही लिया है, तो जल्दी से एक फोटो शूट भी हो जाए। Okay guys, this was it for today's video. Do let me know in the comment section below आपको आज की वीडियो कैसी लगी, and if you like it, please do not forget to like, share and subscribe. Genuinely, ये सब videos बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, पसीने छूट जाते हैं, especially अगर इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें कर रहे हो life में। और कभी कभी थोड़ा difficult होता है keep up करना, but आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मेरे लिए सिर्फ आप लोगों का कॉमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को एक सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं जो भी ये सब कुछ बना रही हूँ छोटा मोटा, इसको देखने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा। एंड आई एम ग्लैड यू गाइज आर लाइकिंग इट। बाय, आई लव यू गाइज सो 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 मच।